Now students, before going to the dynamics part, fluid dynamics part, first of all let us complete the numericals based on statics wala part. इसमें के कुछ numericals हम लोगों ने इससे पहले कर लिए हैं, जब मैंने आपको pressure पढ़ाया था, at that time we have solved some numericals that were based on Pascal's law and pressure, okay, gauge pressure, atmospheric pressure, etc. Now we are going to solve the numericals which are based on surface tension basically. कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल एंड ऑल दिस, ओके. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आप क्या करेंगे, आप जिस फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं, अलग फ़ोन में, आप किसी अलग फ़ोन में टेक्स्ट बुक का पीडीएफ खोल लीजिए. आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है क्योंकि ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक्स आपके पास नहीं होगी अभी, बट खबर सुनने में आ रही है, अच्छी बात है कि टेक्स्ट बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल है, तो प्लीज़ परचेस कर लीजिए, ओके. नहीं है तो पीडीएफ खोल लीजिए कहीं अलग और वहाँ से क्वेश्चंस को रिफ़र करें. मैं भी अपने फ़ोन में ही खोलूँगा बिकॉज हमारे पास भी इस लॉकडाउन पीरियड में टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है. तो आप लोग आ जाएंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे. आपको याद होगा हम लोगों ने एमसीक्यू नंबर 1 कर लिया था. हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू नंबर 2. तो एमसीक्यू 2 एंड 3 दीज आर बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन, तो उसको कर लेते हैं, ओके. तो चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 2. देखो एमसीक्यू नंबर 2 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियाई 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड. मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स, ओके. हम लोग सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, एमसीक्यूज, एमसीक्यू नंबर 2. आपको दिया है दो कैपिलरी ट्यूब, पहले का रेडियस मान लेते हैं 0.3 सेंटीमीटर गया, उसको R1 ले लेते हैं, दूसरे को 0.6 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं. क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में है, द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब्स इज. कहने का मतलब यह है कि एक कंटेनर था, उसमें दो कैपिलरी को डाला गया, एक कैपिलरी ये, दूसरी कैपिलरी ये, इसका रेडियस 0.3, इसका रेडियस 0.6. तो इन दोनों में जो पानी चढ़ेगा, जो लिक्विड राइज होगा, उसका रेशियो कितना होगा. दैट मीन्स इट इज आस्किंग यू H1 बाय H2 विल बी इक्वल टू वॉट. क्वेश्चन समझ गए, अब सॉल्व करते हैं. हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ठीक है. अगर आप इस फॉर्मूले पे ध्यान से देखेंगे तो देखो, अगर सेम लिक्विड में डिप किया है तो सरफेस टेंशन सेम, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट सेम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 सेम. क्या बदल रहा है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी. दैट मीन्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट योर एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इफ ऑल अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट. अगर ये फॉर्मूला है तो इसके बेस पे आप कह सकते हो H1 बाय H2 इज R2 बाय R1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब R2 भी आपके पास है, R1 भी आपके पास है. R2 कितना है 0.6 सेंटीमीटर, R1 कितना है 0.3 सेंटीमीटर, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2. दैट मीन्स H1 बाय H2 इज 2 बाय 1, H1 रेशियो H2 इज 2:1. तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. दिस वॉज MCQ नंबर 2. नाउ लेट अस मूव टू द MCQ नंबर 3. MCQ नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल. एक सोप बबल है, सोप बबल मतलब बाहर भी एयर रहेगी अंदर भी एयर, याद है ना, हम लोगों ने ये केस किया था. सोप बबल है तो उसमें उसका डायमीटर गिवन है आपको, डायमीटर मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली द सरफेस टेंशन T इज ऑल्सो गिवन 0.04 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ओके. क्या फाइंड करना है, द एनर्जी स्टोर्ड, इस सोप बबल में कितना एनर्जी स्टोर हुआ. अब देखिए ये सोप बबल कहां से मिला हमको, लिक्विड की फिल्म से. मतलब जब सोप बबल नहीं था उस वक्त इसका एरिया कितना था, हम कह सकते हैं जब सोप बबल नहीं था उस वक्त एरिया था 0, एरिया 1 इज 0. फाइनली जब ये इतना बड़ा बन गया तो इसका एरिया 2 कितना होगा, 4πr², सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद कर लो. एनर्जी स्टोर्ड इन द सोप बबल, क्या फॉर्मूला, dW इज इक्वल टू T इंटू dA, ये फॉर्मूला है हमारे पास, करेक्ट ना. नाउ T कितना दिया हुआ है 0.04, ये हमने लिख दिया.
लेकिन याद रखना ये सोप बबल है। क्या है ये? सोप बबल। सोप बबल मतलब इसके अंदर भी एयर होगी, इसके आउटसाइड भी एयर होगी। जब दोनों जगह एयर है तो हम लोग सरफेस टेंशन के साथ टू लगाएंगे, याद रखना, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। और एरिया क्या होगा? डी ए ए टू माइनस ए वन। सॉल्व करते हैं, ये फोर टू ए टू जाएगा 0.08 इंटू एरिया टू कितना है 4 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है इसका 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर 3 × 10⁻²⁻² मीटर और इसका स्क्वायर। और एरिया वन तो जीरो है इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली जब हम लोग इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.9 × 10⁻³ जूल। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेटिंग दिस आंसर। और ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। याद रखना अगर आपने इसमें ये टू लगाना भूल गए, सोप बबल है टू लगाना भूल गए, तो जब टू नहीं लगाओगे तो अब आपका आंसर 0.9 नहीं इसका आधा आएगा, मतलब क्या आएगा आपका आंसर, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.4 जो कि बी ऑप्शन है। तो एग्जाम में आप जहां मिस्टेक करते हो एग्जामिनर को पता होता है, तो जहां आप मिस्टेक करने वाले हो तो मिस्टेक करके जो आंसर आएगा वो आंसर भी ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा, याद रखना। ऑप्शन में 0.4 भी है 0.9 भी है, बट योर आंसर इज 0.9 नॉट 0.4। अगर सोप बबल नहीं होता, यहां पे बोलता है लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, तो अब क्या होता है यहां पे फॉर्मूला? अब फॉर्मूले में सिर्फ डायरेक्ट TDA होता, टी के साथ टू नहीं लगता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, सो दिस वॉज MCQs। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की जहां तक बात है, हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 17 तक कर चुके थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल नंबर 18। सॉरी, न्यूमेरिकल 17 तक नहीं, हमने न्यूमेरिकल वही किए थे जो प्रेशर पे बेस्ड थे। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल वो करेंगे जो सरफेस टेंशन पे बेस्ड है। ओके, तो डायरेक्टली आप आ जाइए न्यूमेरिकल नंबर 18 पे। ओके, सो न्यूमेरिकल सेज दैट कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm व्हेन इमर्ज इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 × 10⁻²⁻² न्यूटन पर मीटर। द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज जीरो। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³। जी इज 9.8 m/s² पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा लिख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, ये न्यूमेरिकल सारे आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, ठीक है। हम लोग है क्वेश्चन नंबर 18 पे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है, क्या चीज़ें आपको दी हुई है क्वेश्चन में। ओके, तो आप देखेंगे रेडियस दिया हुआ है कैपिलरी ट्यूब का 0.1 mm, ये आपने लिख लिया। सरफेस टेंशन दिया हुआ है 7 × 10⁻²⁻ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन ग्लास एंड वाटर आपको दिया हुआ है 0 डिग्री। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 1000 kg/m³। और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहा है कि 9.8 m/s² आपको कंसिडर करना है। इतना समझ गया? आपने गिवन लिख दिया। गिवन लिखने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। सो लेट अस राइट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या फाइंड करना आप लोग को, देखिए कैलकुलेट राइज ऑफ वाटर, मतलब हमने अभी जो फॉर्मूला यूज़ किया था, राइज ऑफ वाटर मतलब एच फाइंड करना है आपको। पहले आप ये लिख लीजिए, सॉल्यूशन नहीं, आप पहले ये लिख लीजिए टू फाइंड। क्या लिखेंगे आप? वट एवर द यू हैव टू फाइंड। ओके, सो वी हैव टू फाइंड हाइट। ओके, नाउ यू विल स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको लिखना है, किस फॉर्मूले से ये चीज सॉल्व होगी। तो आप डेटा को और टू फाइंड को देखकर इजीली समझ सकते हो हमें राइज ऑफ कैपिलरी वाला फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एच इज इक्वल टू 2t cos θ / rho g, ठीक है। ओके, टू एज इट इज, सरफेस टेंशन कितना है 7 × 10⁻², कॉस 0, थीटा की जगह कितना रखेंगे 0, अपॉन रेडियस कितना है 0.1, हाउ मच इट इज 0.1, लेकिन ये mm में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा यूनिट। डेंसिटी कितनी है 1000 एंड व्हाट इज जी 9.8। आप जब इस सब को पूरे को सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बी
0.412 मीटर. दिस इज हाइट ऑफ द कैपिलरी, सॉरी राइज ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब. समझ में आ गया अच्छे से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 19. पढ़ लेते हैं. An air bubble of radius 0.2 millimeter is situated just below the water surface. Calculate the gauge pressure. Surface tension of water is 7.2 into 10 to minus 2 newton per meter. Suppose for example एक water की surface है और water surface के just नीचे यहाँ पे एक air bubble है और आपको यहाँ पे इस air bubble के अंदर आपको क्या find करना है, gauge pressure. तो सबसे पहले हम लोग given लिख लेते हैं. आपको क्या given है, radius दिया हुआ है उसका 0.2 millimeter. ओके, देन आपको दिया हुआ है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टी कितना है, 7.2 into 10 to minus 2 न्यूटन पर मीटर. क्या फाइंड करना है, टू फाइंड गेज प्रेशर. अब ये गेज प्रेशर मतलब क्या, आपको याद होगा प्रेशर वाले लेक्चर में, अगर नहीं याद हो तो प्लीज जाके देखिए. गेज प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर. दैट मीन्स आपको कुछ नहीं, पी आई माइनस पी जीरो फाइंड करना है. दैट्स इट. पी जीरो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, पी आई प्रेशर इनसाइड होता है, करेक्ट ना, वही आपको फाइंड करना है. लेट स्टार्ट विथ सोल्यूशन. आपको याद है वट इज द फॉर्मूला फॉर पी आई माइनस पी जीरो. पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल टू 2T/R, करेक्ट, टू एज इट इज. सरफेस टेंशन कितना है, 7.2 into 10 to minus 2 न्यूटन पर मीटर. रेडियस कितना है इसका, 0.2 mm, तो 0.2 into 10 to minus 3 मिलीमीटर में है, इसलिए 10 to minus 3 मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे. जब आप इस सबको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 0.2 कैंसिल हो जाएगा 0.1, मतलब यहाँ बचेगा 10 to minus 4, वो ऊपर जाके 10 to plus 4, 4 minus 2, 2. आपका आंसर आएगा 7.2 into 10 to 2, दैट इज 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में आंसर है 7200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ये आएगा. आप भी खुद सॉल्व करके देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका आंसर क्या आया. ओके, सो दिस इज द गेज प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल विच इज देयर जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस. समझ में आ गया अच्छे से. ओके, नाउ कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 पे डायरेक्ट इसलिए शिफ्ट हो रहा हो कि 20, 21 ये थोड़ा सा अलग अप्रोच है सॉल्व करने का, हम बाद में करेंगे, पहले 22 कर लेते हैं. क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 centimeter रेडियस फ्रॉम सोप सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर. अगेन सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे इजीली. सबसे पहले ये लिख लेते हैं गिवन क्या है आपको. व्हाट इज गिवन, एक एयर बबल है और उसका रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस इज 2 centimeter. देन सरफेस टेंशन ऑफ द सोप टी 0.07 न्यूटन पर मीटर, ये आपने गिवन लिख दिया. अब यहां लिखिए आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड. क्या फाइंड करना है आपको, ये देख लेते हैं. फाइंड करना है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, दैट इज DW आपको फाइंड करना है. ठीक है, नाउ स्टार्ट विथ सोल्यूशन. क्या फॉर्मूला है DW का, वर्क डन इन मेकिंग द सोप बबल इज T into dA, करेक्ट. टी क्या है, सरफेस टेंशन है. अच्छा, अब ये सोप बबल है, क्वेश्चन देखा आप, ध्यान से पढ़िए आप, वहां पे लिखा हुआ है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 centimeter रेडियस फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन, मतलब ये कौन सा है, सोप बबल है, प्लीज रिमेंबर. ओके, अगर आप 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो बात गलत हो जाएगी. सिंस इट इज सोप बबल, एयर विल बी देयर ऑन बोथ साइड एंड फोर्स टू सरफेस टेंशन विल बी ऑन बोथ साइड, दैट इज वाई इस फॉर्मूला में टी की जगह आ जाएगा 2T. ठीक है, ओके. सरफेस टेंशन कितना, 0.07. डीए मतलब चेंज इन एरिया, जब बबल नहीं था मतलब एरिया जीरो था. फाइनल एरिया कितना होगा, 4πr² 4 एज इट इज, पाई एज इट इज. रेडियस कितना है, 2 centimeter, मतलब 2 into 10 to minus 2 मीटर, और इसके ऊपर आप लगा देंगे स्क्वायर. जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.703 into 10 to minus 3 जूल.
0.703 into 10^-3 जूल। यूनिट लगाना मत भूलना, वर्क डन फाइंड किया है, यूनिट उसकी आएगी जूल में। ओके, यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स एग्जाम में कैंसिल हो सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल नंबर 23। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2x2 सेंटीमीटर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट। अ सोप फिल्म इज फॉर्म्ड इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3x3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट वर्क डन इन द प्रोसेस। द सर्फेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म इज 3×10^-2 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन को समझिए पहले कहना क्या चाहता है। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है इस तरह से, इसका डायमेंशन है 2x2, मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ 2, मतलब एक स्क्वायर शेप की रेक्टेंगुलर फ्रेम है, उसको हमने डाल दिया सोप सॉल्यूशन में। और जब बाहर निकालोगे तो क्या होगा, उस पर सोप फिल्म बन जाएगी। हमने बेंगल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद होगा, नहीं देखा आपने तो जाके देख लीजिए। अब हमने क्या किया, इस फ्रेम के एरिया को हमने इंक्रीज किया और इंक्रीज करके हमने इसको कर दिया 3x3 का, मतलब ये हमारा एरिया नंबर 1 और ये हमारा एरिया नंबर 2। आपको बताना है कि जब एरिया इसका बढ़ा दोगे तो कितना वर्क डन लगेगा इस प्रोसेस में। एरिया इंक्रीज करने के बाद वर्क डन कितना हो जाएगा ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। गिवन आपका यही है, एरिया 1 2x2, एरिया 2 3x3, आपको फाइंड करना वर्क डन। तो फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन का, DW इज इक्वल टू T×DA। करेक्ट, सरफेस टेंशन दिया हुआ है सोप का 3×10^-2 3×10^-2 न्यूटन पर मीटर। अच्छा एक बात यहाँ और देखिए, ये सोप सॉल्यूशन था, क्या था, सोप सॉल्यूशन था, मतलब इस फ्रेम के दोनों तरफ एयर प्रेजेंट होगी। अरे अगर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है तो यहाँ भी एयर होगी, पीछे भी एयर होगी ना, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी ऑन बोथ साइड एंड दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग टी यू हैव टू राइट 2T, याद रखना ये बात। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A2-A1, मतलब चेंज इन एरिया। अच्छा चेंज इन एरिया यहाँ फाइंड कर लेते हैं, एरिया 2 कितना होगा 3×3 9। अगर A2-A1 फाइंड करें इट विल बी 9-2 2 4, मतलब 5 cm². तो A2-A1 कितना है 5 cm², उसको वहाँ पुट करते हैं। सो 2×3×10^-2 A2-A1 कितना 5, लेकिन आप देख सकते हो इट इज़ 5 cm². सेंटीमीटर में हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, हम लोग मीटर में, ऐसा यूनिट में कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से जब मीटर स्क्वायर में जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10^-4। मैं यहाँ पे रुक के एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जितने कन्वर्जन मैं कर रहा हूँ मिलीमीटर मीटर सेंटीमीटर वगैरह, प्लीज़ ये कन्वर्जन आप 12th स्टैंडर्ड में हो आपको आना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक उठाइए, वहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर्स दिए हुए हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर मेगामीटर माइक्रोमीटर, ये आगे आता रहेगा सब। तो प्लीज़ अभी स्टार्टिंग में अगर आप इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करके थोड़ी सी हैबिट बना लोगे ऐसा यूनिट्स के, तो आपको आगे बहुत ईजी पड़ेगा। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप जाके वो कन्वर्जन फैक्टर सीखिए ताकि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प मिले। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 2×3 = 6, 6×5 = 30, ये हो जाएगा 30×10^-6 मीन्स 3×10^-5 जूल। दिस इज़ योर आंसर। यानी अगर इस सोप फिल्म को हम 4 से 9 cm² तक के एरिया तक इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको 3×10^-5 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट फॉर्मूला लिखा हमने सॉल्व किया। हाँ आपको हो सकता है सोल्यूशन में प्रॉब्लम हो, आप सोच रहे होंगे सर सोल्यूशन हम कैसे करें, सोल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है। मैं वहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ लॉगरिथम आप सीखिए। देखिए सोल्यूशन करना, क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको सॉल्व करना, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है बच्चों, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है और ये बेसिक मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो उस पर थोड़ा वर्कआउट करिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग पहले एक काम कीजिए, इतना कॉपी कीजिए, इसको रब करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बचे हुए 2 न्यूमेरिकल।
ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21. 20 बाद में करेंगे, 21 देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए. अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज. फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर. एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है, मान लेते इतना बड़ा ड्रॉप है. ये ड्रॉप छोटे छोटे 8 ड्रॉप्स में ब्रेक हुआ, तो यहां पर मैं 8 ड्रॉपलेट्स कंसीडर कर लेता हूं. दीज आर स्मॉल स्मॉल 8 ड्रॉपलेट्स. ओके, इस बड़े ड्रॉप का रेडियस था 0.2 सेंटीमीटर. छोटे ड्रॉपलेट्स का रेडियस दिया हुआ नहीं है आपको, ठीक है. आपको यह बताना है कि इस बड़े ड्रॉप को 8 छोटे ड्रॉप्स में तोड़ने के लिए कितना वर्क डन लगेगा. फिर आपको मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन दिया हुआ है. ओके, अगर इसने वर्क डन पूछा है तो कॉमन सेंस के बाद फॉर्मूला यही लगेगा, वर्क डन DW इज इक्वल टू T इंटू DA. DA क्या होता है हमारा? DA होता है एरिया 2 माइनस एरिया 1, A2 माइनस A1. अच्छा, A2 मतलब इनका एरिया और A1 मतलब इस बड़े ड्रॉप का एरिया. अच्छा, एरिया ऑफ छोटे ड्रॉपलेट्स कैसे फाइंड करेंगे? अगेन फॉर्मूला 4πr². अब फॉर्मूले में 4 आ रहा है, पाई आ रहा है, 4π तो कांस्टेंट है, बट वहां पर r² भी आता है. r मतलब रेडियस ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स. क्या हमको इन छोटे ड्रॉपलेट्स का रेडियस पता है? नहीं पता. तो सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चंस में ये होता है कि फाइंड रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स. ओके, सो लेट अस फाइंड. अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये बड़ा ड्रॉप इन छोटे 8 ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुआ है, मतलब जो वॉल्यूम इसका था वही वॉल्यूम इसका होगा. बाहर से कोई ड्रॉप आके ऐड भी नहीं हुआ और इसमें से कोई ड्रॉप लॉस भी नहीं हुआ, तो होगा ये कि जितना वॉल्यूम इसका है इतना ही वॉल्यूम इसका होगा, करेक्ट ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंडिंग रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स. तो हम लोग लिखेंगे, सिंस वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज वाई V1 इज इक्वल टू V2. इसको V1 मान लेते हैं इसके वॉल्यूम को, और इसको वॉल्यूम 2 मान लेता है, ठीक है. V1 इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4π r³. मान लेते हैं इसका रेडियस कैपिटल R है और इसका रेडियस स्मॉल R है, 4π r³. वॉल्यूम 2 कितना होगा? एक छोटे ड्रॉपलेट का वॉल्यूम होता है 4π r³, स्मॉल r³. बट यहाँ पे एक ड्रॉप नहीं है, 8 ड्रॉप्स है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे? 8. अब आप देख सकते हो बोथ साइड कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं. क्या? 4π 4π 3π कैंसिल. क्या बचा यहाँ पे? r³. और राइट हैंड साइड में क्या बचा? 8 इंटू स्मॉल r³. दोनों साइड क्यूब रूट ले लो तो आपको मिलेगा कैपिटल R इज इक्वल टू 2R. 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2. तो वॉट इज R फ्रॉम दिस? From this you can say that small r is equal to capital R divided by 2. Capital R कितना दिया हुआ है? 0.2. Divide by 2 करोगे तो आपको मिलेगा small r is equal to 0.1 सेंटीमीटर. आपको small r की वैल्यू मिल गई. अब सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. Now work done इज इक्वल टू टी इंटू डी ए. टी कितना है क्वेश्चन में दिया है? इट इज 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर, 435.5. अच्छा, क्या हम लोग डाइन सेंटीमीटर में रख सकते हैं? नहीं, हमको इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो डाइन पर सेंटीमीटर, एक न्यूटन 10^5 डाइन होता है, मतलब 1 डाइन 10^-5 न्यूटन. और पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-2, ठीक है. अब डीए मतलब चेंज इन एरिया, एरिया 2 माइनस एरिया 1. इनका एरिया कितना होगा? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये 8 ड्रॉप्स है, तो पहले मैं 8 लिखूंगा, उसके बाद फॉर्मूला लगाऊंगा 4πr² माइनस
इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज इसके रेडियस को हमने कैपिटल आर माना है। अब वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। चलिए तो 435.5 10 रेज़ टू माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस 2 बन जाएगा और फाइनली ये बनेगा 10 रेज़ टू माइनस 3, ठीक है। 8 इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर कितना है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर इस पे लगा देंगे स्क्वायर, माइनस 4 पाई कैपिटल आर कितना है 0.2 सेंटीमीटर, तो इसमें 0.2 लगाएंगे आप और 10 रेज़ टू माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे टर्म का ले लेंगे स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो आपको आंसर मिलेगा द वर्क डन इज 2.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 जूल। प्लीज़ इसको सॉल्व करके देखना, डायरेक्ट आंसर कॉपी मत करना। सॉल्व कैसे करेंगे, यूजिंग लॉग, पहले ये ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करो फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल इजीली गेट 2.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 जूल। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करने वाला हूँ, क्या आपका जो आंसर आया है वो आया पॉजिटिव। इन क्वेश्चंस में कभी ऐसा भी होगा आंसर नेगेटिव में आएगा, जैसे मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा तो बताऊँगा। हमारा यहाँ पे आंसर आया पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब क्या है, सुनिए, ये एक ड्रॉप था, एक ड्रॉप से ये इतने ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुआ, तो बड़ा ड्रॉप जब छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट होता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो ये पॉजिटिव साइन जो आती है आपके आंसर जो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये होता है द एनर्जी इज एब्जॉर्ब। कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरह ना बोलकर आपको बोलेगा टी डी ए का जो आंसर आया वो पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी लिबरेटेड, एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या मास इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, क्या मतलब? तो आपको क्या मार्क करना है, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस। अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो आपको वहां लिखना पड़ेगा एनर्जी इज लिबरेटेड। समझ आ गया अच्छे से? ओके, पॉज करो, स्क्रीन को कॉपी करो, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोलिज इनटू अ सिंगल ड्रॉप, फाइंड चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 20। लास्ट क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा वहां पे इस तरह था कि मर्क्यूरी का 8 ड्रॉप 8 ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे है कि 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर देयर, कितने हैं 27, ये सब कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉपलेट बना रहे, बड़ा ड्रॉपलेट वाटर का मान लेते जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इन स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स का रेडियस स्मॉल आर है। आपको फाइंड करना है कि इस प्रोसेस में इस छोटे ड्रॉप्स जो बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हुए, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना हुआ। दैट मीन्स अगेन इट इज आस्किंग यू अबाउट DW, करेक्ट। मैंने अभी बताया कि इन क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको बड़े ड्रॉप छोटे ड्रॉप का रेडियस पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं 4πr², उसमें r का टर्म आता है, तो आपको r पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कि इन छोटे ड्रॉपलेट्स का r कितना होगा। ये ड्रॉपलेट्स 27 है, ये बात भूलना मत, आप याद रखना, ये 27 कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बन गया। अगेन वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, इफ द वॉल्यूम इज सेम, हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में Since volume remains same, volume same है, तो हम लिखेंगे 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अगेन दोनों साइड 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ पर क्यूब रूट ले लो, 27 का क्यूब रूट कितना मिल जाएगा आपको 3, आर का क्यूब रूट स्मॉल आर, कैपिटल का क्यूब रूट आर, मतलब बड़ा ड्रॉपलेट कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। अब क्वेश्चन में आप देखिए, आपको दोनों में से एक वैल्यू गिवन रहेगी, ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm, आपको स्मॉल आर दिया हुआ है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.1 mm, दिस इज गिवन, तो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 0.1, दैट विल बी इक्वल टू 0.3 mm।
आपको क्या मिल गया, ये कैपिटल आर। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.3 mm, इतना मिल गया। अब सिंपल dW का फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो। dW इज इक्वल टू T इंटू dA। T कितना है, वाटर का सरफेस टेंशन 0.072, चेंज इन सरफेस एरिया dA दैट विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1, अगेन 0.072 इंटू एरिया 2, मतलब इस बड़े ड्रॉप का एरिया कितना आएगा, 4 pi कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R मतलब 0.3 इंटू 10^-3, और इसका क्या लिख देंगे, स्क्वायर। एरिया 1 मतलब 27 ड्रॉपलेट्स का एरिया, मीन्स 27 इंटू 4 pi R स्क्वायर। R मतलब छोटे ड्रॉपलेट का रेडियस, दैट इज 0.1 इंटू 10^-3 मीटर, और इस पे लगा देंगे स्क्वायर। क्यों, बिकॉज R पे क्या लगता है, स्क्वायर। अरे फॉर्मूला याद है ना, यहां पे इसका फॉर्मूला है 4 pi कैपिटल R स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 4 pi स्मॉल R स्क्वायर, भूलना मत। अब जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स आपको जो आंसर आएगा दैट इज -1.628 इंटू 10^-7, -1.628 × 10^-7 जूल। अपने आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहां आंसर दिया हुआ है 1.628 × 10^-3 जूल। मैंने सॉल्व किया, मुझे यह आंसर मिला, आप सॉल्व कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। टेक्स्ट बुक में -3 है, यहां पे मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर -7 आया। ओके, अब यहां देखिए, यहां पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है, मैं यहां पे लिख देता हूं। मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एनर्जी इज लिबरेटेड, भूलना मत। मैंने अभी बताया अगर TDA का आंसर पॉजिटिव आ रहा है उसका मतलब ये होता है द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, और अगर TDA का आंसर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स एनर्जी इज लिबरेटेड। तो हम लोग यहाँ फाइनल आंसर में नेगेटिव साइन बेसिकली लिखते नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिकेशन होता है। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी हमारा जो फाइनल आंसर आया, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड देखें या मॉड ले लें, तो 1.628 × 10^-7 जूल, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कॉपी कीजिए। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल सेक्शन खत्म हो गया, न्यूमेरिकल ऑफ स्टैटिक वाला पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम से डायनामिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, डायनामिक्स पार्ट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स।